उड़ान, लेट्स फ्लाई। कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, जिसमें आधी से ज्यादा आबादी यूथ मानी जाती है, उस देश में यूथ डे 12 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये वही दिन था जब 1863 में कैलकटा में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का नाम ईस्ट में जापान से लेकर वेस्ट में अमेरिका तक रोशन किया। इनका असल में नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता। उनके अकॉर्डिंग देश की असली ताकत होते हैं उस देश के युवा, जिनके मजबूत कंधों पर देश आज मेहनत करता है और कल को बेहतर बनाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर न जाने कितने धर्मगुरु संत महात्माओं ने जन्म लिया, लेकिन इन सब में विवेकानंद का नाम शायद सबसे अलग भी है और सबसे बड़ा भी माना जाता है। और इसका रीजन है उनके अलग विचार और सोच, जिन्हें अगर हम आज भी फॉलो करें तो ना सिर्फ हम स्वाभिमान के साथ सक्सेस पा सकते हैं, बल्कि दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो आइए उनके कुछ विचारों पर मंथन किया जाए। नंबर वन, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। इस कोट में उनका इशारा सीधा सीधा मेहनत से है। पूरी दुनिया में विवेकानंद का ये कोट शायद सबसे मशहूर कोट है, जिसमें वो युवाओं को ये संदेश दे रहे हैं कि अपनी पूरी मेहनत, लगन और परिश्रम से अपने सपनों को सच करो। नंबर टू, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर आपके सामने कोई समस्या है तो उसका हल भी जरूर होगा, और जब हल है तो चिंता करना व्यर्थ है। इसलिए अपनी एनर्जी को बेकार की बातों में वेस्ट ना करके उसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इन्वेस्ट करो, क्योंकि इसी से नए अवसर बनाए जा सकते हैं। नंबर थ्री, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। विवेकानंद की इस बात का मतलब सिर्फ और सिर्फ फोकस से है। हम अक्सर मल्टीटास्किंग को बेहतर मानते हैं, लेकिन जब बात सपनों की हो तो 100 सपने देखने से बेहतर है एक बड़ा सपना देखें और उसी में जी जान लगा दें। नंबर फोर, पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है। इतिहास गवाह है कि समाज में हर बड़े बदलाव के पहले उसे मजाक के रूप में लिया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन चूंकि बदलाव संसार का नियम है, वो बदलाव होकर ही रहता है। नंबर फाइव, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जिस प्रकार एक पत्थर हजारों चोट खाने के बाद एक मूर्ति की शक्ल लेता है, वैसे ही कई ठोकर खाने के बाद हमारा असली कैरेक्टर बनता है और वही हमें सफल बनाता है। एक सफल व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास दुनिया भर का पैसा हो, शोहरत हो, बल्कि असली सफलता तो सम्मान में छुपी है। सफल व्यक्ति वही है जब लोग आपके जैसा बनना चाहें। नंबर सिक्स, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन एक युद्ध के समान आपके सामने आता है। इस दुनिया में आप अकेले आते हैं, आपका आखिरी सफर भी आपको अकेले ही तय करना है। आप खुद एक योद्धा हैं अपने जीवन में। इस दुनिया में आप तभी जीत पा सकते हैं जब आप लड़ना सीखें। अगर आप खुद को ही कमजोर मान लेंगे तो आप बिना लड़े ही ये लड़ाई हार जाएंगे, और एक योद्धा के लिए ये सबसे बड़ा पाप है। नंबर सेवन, दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा अपने दिल की सुनो। जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन बने जब दिल कुछ और चाहता हो और दिमाग कुछ और, तो हमेशा अपने दिल की मानो, क्योंकि दिल में समाई होती है हमारे अंतरात्मा की आवाज, और ये आवाज ईश्वर की होती है। जिस प्रकार ईश्वर किसी का भी बुरा नहीं करते, उसी प्रकार दिल भी आपका अहित नहीं होने देता। नंबर एट, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी में मुश्किल उन्हीं के सामने आती है जो कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर ऐसे में किसी मोड़ पर मुश्किलें आना बंद हो जाए, तो या तो हमारा रास्ता गलत है
या फिर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे। नंबर 9, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आपको मांझी मूवी का वो डायलॉग याद है जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, भगवान के भरोसे मत रहो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। ये बात विवेकानंद जी के इस कोट से प्रभावित है। नंबर 10, हम जो बोते हैं वो काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। हिंदू धर्म कहता है कि आपके जीवन का आधार आपके कर्म ही हैं। यूनिवर्स में मौजूद कॉस्मिक फोर्स हमें वही देती है जो हम इस यूनिवर्स को देते हैं। इसलिए अपने कर्मों से हमेशा दूसरों की भलाई और समाज की बेहतरी के बारे में सोचिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन की सारी बातों को एक वीडियो में लाना मुश्किल है, क्योंकि जिनका व्यक्तित्व इतना महान रहा हो उनके विचारों का मंथन इतना आसान नहीं। इसलिए दूसरे भाग के साथ हम जल्द आएंगे उड़ान पर। तब तक के लिए विवेकानंद जी के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाइए और स्वामी विवेकानंद जी के इन विचारों को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और उड़ान के साथ सपनों के आकाश में उड़िए। उड़ान, लेट्स फ्लाई।